दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जुलाई में आने वाले टॉप अपकमिंग बजट स्मार्टफोन के बारे में, तो बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर लेटेस्ट एंड अपकमिंग स्मार्टफोन वीडियो, स्पेक्स कंपैरिजन वीडियो और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जुलाई में आने वाले स्मार्टफोन में पहले नंबर पे है मोटोरोला का मोटो E4 प्लस। दोस्तों मोटो E4 प्लस मोटोरोला का पहला बजट सेगमेंट का ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और साथ में इसमें स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा। दोस्तों दूसरा स्मार्टफोन है मोटोरोला का ही मोटो E4। दोस्तों मोटो E4 मोटो E4 प्लस का लोअर वेरियंट है जिसमें मोटो E4 प्लस से कम स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी। दोस्तों तीसरा स्मार्टफोन है नोकिया का नोकिया 6। दोस्तों भले ही स्मार्टफोन ये लॉन्च हो गया है भारत में, लेकिन सेल के लिए 14 जुलाई को ही उपलब्ध होगा। दोस्तों चौथा स्मार्टफोन है नोकिया का नोकिया 5। दोस्तों नोकिया 5 नोकिया 6 का लोअर वेरिएंट है जो कि 13000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में आता है और इसमें नोकिया 6 से कम स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। दोस्तों पांचवें नंबर पर है इनफोकस का इनफोकस टर्बो 5। दोस्तों इनफोकस टर्बो 5 7000 से 8000 रुपये के प्राइस रेंज में पहला स्मार्टफोन है जिसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और ये 4 जुलाई से सेल के लिए उपलब्ध होगा। तो दोस्तों यही थे टॉप बजट अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि जुलाई के महीने में भारत में आने वाले हैं। इसी के साथ इस वीडियो में तय है। दोस्तों हमें उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो पहले किसी को हमें चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तब के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं। हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम।